माय डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज ए लिमिट एंड कंटिन्यूटी का तीसरा लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम कंटिन्यूटी के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट लेक्चर एंड सेकंड लेक्चर अगर नहीं देखे हैं तो लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जा रही है, आप चैनल विजिट कर सकते हैं, आराम से देख सकते हैं। लिमिट एंड कंटिन्यूटी का ये तीसरा लेक्चर है और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कंटिन्यूटी के बारे में। कंटिन्यूटी क्या होता है एंड कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है, कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड करे कि वो कंटिन्यूअस हो जाता है और कौन सी प्रॉपर्टी को होल्ड करे वो कंटिन्यूअस नहीं रह जाता है, इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर बात आती है डिसकंटिन्यूटी की, जैसे कोई कंटिन्यूअस नहीं हो रहा है तो फिर हम डिसकंटिन्यूटी के बारे में भी चर्चा करेंगे। जब हम डिसकंटिन्यूटी के बारे में चर्चा करेंगे तो वहाँ पर हम डिसकंटिन्यूटी के प्रकार भी पढ़ेंगे, कितने टाइप्स के डिसकंटिन्यूटी होते हैं। उन टाइप्स में आप बताएंगे जैसे कोई भी फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूअस है तो कौन सा डिसकंटिन्यूअस है, ओपन, क्लोज, रिमूवल, नॉन रिमूवल, इसेंशियल, वो टाइप्स हैं उसके, तो इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। नाउ सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंटिन्यूअस की। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया तो हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज ए कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी, ठीक है। कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा इस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। कंटिन्यूटी यही तो कहती है, कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा। कहा जा रहा है एनी फंक्शन एफ इज सेट टू बी कंटिन्यूअस। कोई भी फंक्शन हमारा एफ कंटिन्यूअस कहलाएगा कब, एट एक्स इक्वल टू ए, इफ कोई भी फंक्शन x इक्वल टू ए पर कंटिन्यूअस कब कहलाएगा, जब लिमिट x टेंस टू ए एफ ऑफ x दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, अगर ये होल्ड कर रहा है तो वो हमारा क्या कहलाएगा, कंटिन्यूअस, ठीक है। जहां पर एफ ऑफ के है, वेयर, अगर बताएं कि एफ ऑफ ए है क्या, वेयर एफ ऑफ ए इज द value of f at x equal to, यही तो कह रहे हो ना। जब हम f of x को f of a कब बोलेंगे, जब हम लिमिट लगाएंगे x से a तक के, तो ये हमारा कंटिन्यूअस होगा। क्या समझे, कोई भी फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस कब होगा, एट x equal to a पर, जब f of x पर लिमिट हम लगा दें x tends to a, f of a के बराबर हो जाए तब वो कंटिन्यूअस होगा। कंटिन्यूअस की कंडीशन क्या होनी चाहिए, यहाँ पर दो चीज़ें आती है, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, दो चीज़ें आपने पढ़ी हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, वो चीज़ें अगर यहाँ पर होल्ड करेंगी तब ये कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, तब ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज कंटिन्यूअस नहीं कहलाएगा। तो हम कंटिन्यूअस पढ़ने से पहले सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि लेफ्ट हैंड कंटिन्यूअस क्या होता है, राइट हैंड कंटिन्यूअस क्या होता है, उसके बाद हम बताएंगे कंटिन्यूअस क्या होता है, आराम से आप समझ जाओगे। कंटिन्यूअस पढ़ने से पहले लेफ्ट हैंड कंटिन्यूअस पढ़ेंगे, लेफ्ट हैंड कंटिन्यूअस फंक्शन, उसके बाद हम राइट हैंड कंटिन्यूअस भी पढ़ेंगे, लेफ्ट हैंड कंटिन्यूअस फंक्शन एंड लेफ्ट हैंड लिमिट भी इसको बोलते हैं। कल हमने लिमिट पढ़ा था, हम इसको कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे, लिमिट जब लगाएंगे लेफ्ट हैंड कंटिन्यूअस का कब होगा, कोई भी फंक्शन एफ होगा, एफ इज सेट टू बी लेफ्ट कंटिन्यूअस, कोई भी फंक्शन एफ हमारा लेफ्ट कंटिन्यूअस कहलाएगा एट एक्स इक्वल टू ए व्हेन, कब, जब एफ ऑफ ए माइनस जीरो इक्वल होगा एफ ऑफ ए के, एफ ऑफ ए माइनस जीरो इक्वल होगा एफ ऑफ ए के। इट मीन्स दैट कोई भी फंक्शन एफ ऑफ ए है, लेफ्ट हैंड लिमिट में हम क्या देखे थे, ए माइनस जीरो वहां पर देखते थे, उसके बाद h टेंस टू जीरो करते थे, वहां पर हम s लगा देते थे। ऐसे सेम टू सेम आप राइट हैंड के लिए बोल सकते हैं, राइट हैंड कंटिन्यूअस, ठीक है। राइट हैंड कंटिन्यूअस के लिए कोई भी फंक्शन f इज सेट टू बी राइट हैंड, यहां पर हैंड लगा देंगे आप, राइट हैंड कंटिन्यूअस वेन एट x इक्वल टू ए, आप कुछ भी लगा सकते हैं, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो एट x इक्वल टू वहां पर जो समथिंग दिया रहेगा, x इक्वल टू वन, x इक्वल टू टू, x इक्वल टू जीरो, यहां पर हम कोई एक पॉइंट मान के चलते हैं x इक्वल टू ए, एट x इक्वल टू ए कब,
व्हेन यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट था, ए में कुछ माइनस होता था, यहाँ पर अब राइट हैंड लिमिट हम पढ़ेंगे, तो क्या पढ़ेंगे, व्हेन एफ ऑफ ए प्लस जीरो इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। बातें समझ में आई आपको, मतलब जब हम लेफ्ट हैंड कंटिन्यूअस पढ़ते हैं तो उसमें क्या कहते हैं कि एफ ऑफ ए माइनस जीरो जब हमारा एफ ऑफ ए के बराबर आता है तो लेफ्ट हैंड कंटिन्यूअस के बराबर होगा, तब वो लेफ्ट हैंड कंटिन्यूअस एग्जैक्टली क्या रहेगा। एंड राइट हैंड कंटिन्यूअस कब कहलाएगा, जब एफ ऑफ ए प्लस जीरो होगा, एफ ऑफ ए के बराबर हो जाएगा। अब हम एफ ऑफ ए प्लस जीरो एफ ऑफ ए माइनस जीरो कैसे निकालते हैं, ये आप कल के वीडियो में देख चुके हो, लास्ट वीडियो इसलिए हमने कहा अगर नहीं देखे तो आप जाकर देख लीजिए। एंड मैं आपको फिर से बता देना चाहूँगा, पहले दो लेक्चर में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपकी जो बैच है ये स्टार्ट हो रही है, मात्र 999 रुपए प्राइस है, बट इसेंशियली अगर आप तुरंत जाकर इसे इसे आप ज्वाइन करते हो तो फर्स्ट 500 स्टूडेंट के लिए आपको ये सिर्फ 499 में मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ 499 में मिल रहा है ये पूरे डिफरेंशियल कैलकुलस। उसके लिए आपको करना होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी जा रही है हमारी ऐप की या टीच स्ट्रीम, आप सर्च कर लेंगे, वहाँ पर आपको डिफरेंशियल कैलकुलस दिख रहा होगा, डिफरेंशियल कैलकुलस पर क्लिक करेंगे, आपको 499 पे करना है, मतलब फ्लैट 50% का ऑफ चल रहा है, 50% ऑफ चल रहा है किसके लिए, फर्स्ट 500 स्टूडेंट के लिए। जैसे ही 500 स्टूडेंट कंप्लीट किए ये ऑफर ख़त्म हो जाएगा, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एक दो तीन दिन में भी ख़त्म हो सकते हैं, 500 स्टूडेंट ज्वाइन करने में टाइम नहीं लगेगा क्योंकि प्राइस हमने बहुत कम रखी है, 1000 प्राइस है, सिर्फ 500 में आपको मिल रहा है और 500 स्टूडेंट तुरंत बाई कर लेंगे, इसलिए आपको मैं तुरंत कह रहा हूँ आप जाकर बाई कर लो, क्योंकि अगर ये लिमिट क्रॉस कर गई तो आप अगर 500 से ज़्यादा में आ गए तो आपको 1000 देना पड़ेगा। तो सबसे मिनिमम टू मिनिमम प्राइस में आप लोग पा सकते हैं, मेरा सपना यही है कि हर वो स्टूडेंट मिनिमम टू मिनिमम प्राइस में पढ़े। कोर्स की प्राइस इसीलिए इतनी कम रखी गई है, आप लोगों को 4000 6000 5000 नहीं रखी गई, जिसे हर एक स्टूडेंट अच्छी पढ़ाई कर सके। साथ ही साथ इसमें मिलेगा क्या, पूरे वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, रिवीजन क्लासेस होंगी, लाइव सेशन होंगे, डाउट सॉल्विंग होंगी एंड पीडीएफ नोट्स बुक की भी होगी एंड आपके हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे। तो बुक ही आप 350 की खरीदो, एक डिफरेंशियल कैलकुलस की बुक, तो सोचते हो आपको 500 रुपये में सब कुछ मिल रहा है, बुक भी खरीदने की आवश्यकता नहीं, सब कुछ मिल जाएगा। एंड डिफरेंशियल कैलकुलस का कोई भी ऐसा पॉइंट्स नहीं पाओगे ना, या जो भी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, जैसे होता क्या है कि मैथ स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, ऑफलाइन कोचिंग में जाते हैं या कहीं से भी पढ़ते हैं, ऑनलाइन पढ़ते हैं, तो उसमें क्या कहा जाता है कि मेन बता दिया जाए, जैसे हमने ये बता दिया कि हाँ ऐसा ऐसा होता है, इस पे बेस पे दो तीन क्वेश्चन बता देंगे उसके बाद आगे चले जाएंगे। अब एक्सरसाइज जब आप सॉल्व करने बैठते हो तब आपको प्रॉब्लम आ जाती है, दिक्कत वहीं पर होती है, लेकिन आपको सिर्फ 500 रुपए में वो जितने भी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा। अगर 50 क्वेश्चन है एक एक्सरसाइज में, 50 के 50 सॉल्व कराए जाएंगे, 60 क्वेश्चन है तो 60 क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे, जिससे आपको प्रॉब्लम कहीं ना क्रिएट हो, क्योंकि इतने स्टूडेंट देखते हैं किसी को कोई भी क्वेश्चन फंस सकता है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, हर एक क्वेश्चन कराया जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मेहनत करके पढ़िए, मेहनत करेंगे तो आप अच्छा करेंगे जरूर, ठीक। लेफ्ट हैंड कंटिन्यूअस समझ गए कि एफ ऑफ ए माइनस जीरो अगर एफ ऑफ ए के बराबर आ जाएगा, अब ये निकालना कैसे एफ ऑफ ए माइनस जीरो वो मैं बताऊंगा, एंड अगर एफ ऑफ ए प्लस जीरो एफ ऑफ ए के बराबर आ रहा है तब हमारा क्या होगा, ये राइट हैंड कंटिन्यूअस। फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा, फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस कब होगा, लेफ्ट हैंड कंटिन्यूअस राइट हैंड कंटिन्यूअस हमने पढ़ लिया, कंटिन्यूअस कब होगा, कंटिन्यूअस होने की कंडीशन ये है कि कोई भी फंक्शन एफ इज सेट टू बी कंटिन्यूअस, कोई भी फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस कहलाएगा व्हेन एट एक्स इक्वल टू ए, व्हेन बोथ लेफ्ट हैंड कंटिन्यूअस एंड राइट हैंड कंटिन्यूअस एग्जिस्ट, ठीक है। हमने शॉर्ट में लिख दिया कि कोई भी फंक्शन एफ जो होगा वो कंटिन्यूअस कहलाएगा जब लेफ्ट हैंड कंटिन्यूअस एंड राइट हैंड कंटिन्यूअस एग्जिस्ट करेगा, दोनों एग्जिस्ट कर रहा हो, मतलब ये दोनों अगर एग्जिस्ट कर रहा हो तब जाकर हमारा वो कंटिन्यूअस होगा। इट मीन्स दैट एफ ऑफ ए माइनस जीरो जो है, क्योंकि राइट हैंड बराबर है, ये एफ ऑफ ए प्लस जीरो के भी बराबर होना चाहिए, आल्सो एफ ऑफ ए के बराबर भी होना चाहिए, ये कंडीशन अगर फॉलो कर रहा है तो वो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होगा। क्वेश्चन पूछा जाए
आप कैसे करोगे, पहले एफ ऑफ ए माइनस जीरो निकालोगे, एफ ऑफ ए प्लस जीरो निकालोगे, एफ ऑफ ए के बराबर कर दोगे, अगर तीन के तीनों बराबर आ रहे हैं तो वो बताओगे कंटिन्यूअस है, नहीं बराबर आया तो बता दोगे डिसकंटिन्यूअस है। बातें समझ आई, क्लियर हुआ? तो फिर से हम बताएंगे लेफ्ट हैंड कंटिन्यूअस किसे कहेंगे, कि अगर कोई भी फंक्शन लेफ्ट हैंड कंटिन्यूअस होगा यदि एफ ऑफ ए माइनस जीरो इक्वल टू एफ ऑफ ए हो जाए, राइट हैंड कंटिन्यूअस कब होगा, जब एफ ऑफ ए प्लस जीरो एफ ऑफ ए के बराबर हो जाए, एंड ओवरऑल कंटिन्यूअस कब होगा, जब ये दोनों चीजें एग्जिस्ट कर रही हो, एफ ऑफ ए माइनस जीरो एफ ऑफ ए प्लस जीरो के बराबर हो और ये फंक्शन ऑफ ए के बराबर भी हो। सो नोट डाउन कर लीजिए, टेक स्क्रीनशॉट्स। ठीक है, इसके बेस पे एक क्वेश्चन बता दिया जाए, फिर हम डिसकंटिन्यूअस पर चले, जिसे आपको समझ में आ जाए, क्योंकि हम क्वेश्चन डायरेक्ट बाद में अगर कराएंगे तो आपको कम समझ में आएगा। पहले ये चीज़ें जितनी हमने समझी हैं ये चीज़ें हम क्वेश्चन पर समझते हैं, टेक स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पर आगे चलते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, उस एग्जाम्पल से समझेंगे कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या फिर कंटिन्यूअस नहीं है। हम एग्जैक्टली दो एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक कंटिन्यूअस का एक डिसकंटिन्यूअस का, जिससे आपको समझ में आ जाए कि हाँ ये फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा कब डिसकंटिन्यूअस होगा। हालांकि वो हमारा एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है जो हमने उठाया है, बट बहुत सिंपल है। हम सिंपल क्वेश्चन इसलिए पहले बता रहे हैं ताकि आप सिंपल क्वेश्चन पहले सीख जाएँ, उसके बाद हम लोग टफ क्वेश्चन पर चले तो आपको आसानी हो। ठीक है, चल पहला क्वेश्चन जो दे रहा है, जिसे एक क्वेश्चन दिया जा रहा है, हम इसको ट्राई करेंगे क्या ये कंटिन्यूअस है या फिर डिसकंटिन्यूअस। रैंडमली कोई भी एक क्वेश्चन हमने उठाया, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आपकी बुक में से एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ई की पावर वन अपान एक्स, एक्स ई की पावर वन अपान एक्स डिवाइड बाई वन प्लस ई की पावर एक्स, वन प्लस ई की पावर वन अपान एक्स, ये आपका एक क्वेश्चन है। एंड जीरो, दो वैल्यू दी गई है, ये x doesn't equal to जीरो पर है और ये x equal to जीरो पर है। ठीक है, क्या कह रहा है, डिस्कस कंटिन्यूटी ऑफ फॉलोइंग फंक्शन एट x equal to जीरो, डिस्कस कंटिन्यूटी ऑफ x equal to एट x equal to जीरो पर, x equal to जीरो पर आपको कंटिन्यूटी डिस्कस करनी कि ये डिसकंटिन्यूअस होगा या फिर कंटिन्यूअस होगा। ऐसे एक एग्जांपल हम और उठा लें जिससे आपको समझने में एग्जैक्टली आसानी हो। एग्जांपल क्या है आपका, ई की पावर वन अपान एक्स, आपका कोई दूसरा एग्जांपल दिया जा रहा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, दूसरा क्वेश्चन है, e की पावर 1 बाई एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस e की पावर 1 बाई एक्स, एक्स जीरो, ये x डजंट इक्वल टू जीरो पर है, ये x इक्वल टू जीरो पर है। इस पर भी सेम हमें कंटिन्यूअस ही निकालना है। ठीक है, यही क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। अब इन दोनों क्वेश्चन से हम देखेंगे क्या कौन सा कंटिन्यूअस आ रहा है कौन सा डिसकंटिन्यूअस आ रहा है। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, सोल्यूशन देखेंगे आप, सबसे पहले देखेंगे सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन हम जानते हैं कि आपको क्या देखना है, फंक्शन ऑफ ए के इक्वल करना है लिमिट लेफ्ट हैंड साइड को भी और राइट हैंड साइड को भी, तब वो कंटिन्यूअस है। पहले निकाल लेते हैं, यहां पर देख रहे हो एक्स इक्वल टू जीरो पर जीरो है, तो मतलब एफ ऑफ ए यहां पर क्या है, एफ ऑफ जीरो और ये क्या है जीरो, एफ ऑफ जीरो क्या है दैट्स इक्वल टू जीरो। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, एलएचएल निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, दैट एफ ए माइनस जीरो, ए यहां पर क्या है जीरो माइनस जीरो, एफ ऑफ जीरो माइनस जीरो दैट्स इक्वल टू, इसे हम लिख सकते हैं लिमिट एच टेंस टू जीरो, जीरो की जगह जीरो लिखे रहेंगे क्योंकि ये क्या है एक्स टेंस टू जीरो लिखा जा रहा है, जीरो टेंस क्या वहां पर एक्स टेंस टू ए लिखा जा रहा था क्योंकि कंटिन्यूटी आपको एक्स इक्वल टू जीरो पर दिखानी है, इसीलिए हमने यहां पर क्या लिख दिया ए माइनस जीरो की जगह पर जीरो माइनस जीरो, वहां पर क्या था एक्स टेंस टू ए था, तो यहां पर क्या लिखते थे हम एफ ऑफ जीरो की जगह पर क्या लिखते थे ए माइनस जीरो लिखते थे, यहां पर क्या है जीरो है तो यहां पर हमने जीरो लिख दिया। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है। अब एफ ऑफ जीरो माइनस जीरो है तो लिमिट एच टेंस टू जीरो करें तो एच इतनी छोटी वैल्यू है उसको हम जीरो मान सकते हैं, तो जीरो की जगह एच रख सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप इसकी जगह एच रख दोगे, नहीं, ये ए की जगह पर आया हुआ है, आप इसकी जगह पर एच रखोगे तो क्या रखोगे जीरो माइनस एच, दैट्स इक्वल टू आपको मिलेगा क्या यहाँ पर लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहाँ पर मिला क्या आपको माइनस एच, एंड माइनस एच वैल्यू रखोगे आप, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है बताओ, लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस एच, एक्स की जगह पर क्या हो जाएगा एच हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस एच ई की पावर
एक्स यहाँ पर माइनस एच होगा, तो माइनस वन अपान एच डिवाइड बाई वन प्लस ई की पावर माइनस वन बाई एच, ठीक है, यही होगा क्योंकि माइनस एच आया। ठीक, अब आगे इसको सॉल्व करेंगे, एच टेंस टू जीरो है तो एच की जगह अगर हम जीरो रख देंगे टोटल फंक्शन हमारा कितना आ जाएगा, जीरो, तो ओवरऑल वैल्यू आएगी हमारी जीरो। किसकी वैल्यू? लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू, और लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा क्या है, एफ जीरो माइनस जीरो है। इसी प्रकार हम राइट हैंड लिमिट अगर देखें, आर एच एल दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस जीरो, एफ ऑफ यहाँ पर एक्स टेंस टू ए ना होकर के एक्स टेंस टू जीरो है, तो एक जगह पर क्या हो जाएगा, जीरो, जीरो प्लस जीरो। इसे लिख सकते हैं हम लिमिट एच टेंस टू जीरो, जीरो की जगह क्या आ जाएगा, एच, जीरो प्लस एच, क्या हो जाएगा हमारा लिमिट एच टेंस टू जीरो दैट्स एच। अब एच वैल्यू आए, एच की वैल्यू क्या है, इतनी, एक्स की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, एच, आप एच ना लिख करके एक्स भी रख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हमने थोड़ा सा चेंज किया है। एच की वैल्यू रखिएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, इसकी वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एच ई की पावर वन बाई एच डिवाइड बाई वन प्लस ई की पावर वन बाई एच, एंड एच टेंस टू जीरो रखेंगे, एच की ही वैल्यू जीरो हो जाएगी, टोटल ओवरऑल वैल्यू जीरो आएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट हैंड लिमिट आर एच एल भी हमारा जीरो आया, एंड फंक्शन तो हमारा जीरो आया ही था। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो एफ ऑफ जीरो है दैट्स इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट एंड दैट्स इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। कई लोग इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, कई लोग इसे ऐसा भी लिखते हैं एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो प्लस जीरो, यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिखे हो तो समझने के लिए एफ ऑफ जीरो प्लस जीरो इसके बराबर आ रहा है। ये क्या हुआ हमारा, कंटिन्यूअस फंक्शन हुआ, दिस इज ए कंटिन्यूअस। बात समझ में आई, अगर ये तीनों चीज़ें इक्वल हो जा रही हैं तो ये हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, अगर इक्वल नहीं हो रही हैं तो हमारा डिसकंटिन्यूअस होगा। जैसे वो वाला क्वेश्चन अगर हम सॉल्व कर लें, इस वाले क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे ध्यान से, एफ ऑफ जीरो पर जीरो है ही, तो सिंपल हो गया एफ ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लें, दैट्स इक्वल टू क्या होता है, एफ ऑफ जीरो माइनस जीरो, क्यों, क्योंकि एक्स इक्वल टू जीरो ये है, बार बार हम ए माइनस जीरो ना लिख करके डायरेक्ट लिख देंगे। अगर यहाँ पर कुछ और होता तो हम वैल्यू रखते, ठीक है, एफ ऑफ जीरो माइनस जीरो इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो, जीरो माइनस एच, क्या आ जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो दैट्स माइनस एच, एंड वैल्यू रखेंगे लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस एच की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, ई की पावर माइनस वन बाई एक्स। अब कई लोग यहाँ पर माइनस लगा देते हैं, यहाँ पर माइनस क्यों लगाओगे, एक्स की यहाँ पर एच रख रहे हो तो माइनस एच भी वहीं पर रखोगे ना, ई पावर माइनस वन बाई एक्स होगा डिवाइड बाई वन प्लस ई की पावर माइनस वन बाई एक्स, ठीक है। एंड फाइनली एच की वैल्यू जब जीरो रखेंगे तो यहाँ पर एक्स ना होकर के एच हो जाएगा ना, ये क्योंकि आप एच ले रहे हैं, एच की वैल्यू जीरो रखेंगे तो मिले क्या हमको, एक पावर माइनस इनफाइनाइट, क्योंकि वन अपान जीरो इक्वल टू क्या होता है, इनफाइनाइट डिवाइड बाई वन प्लस ई की पावर माइनस इनफाइनाइट। ई की पावर माइनस इनफाइनाइट क्या होता है, जीरो होता है, और एक पावर इनफाइनाइट इनफाइनाइट ही होता है, नॉट डिफाइंड। तो एक पावर माइनस इनफाइनाइट जीरो अपान वन प्लस जीरो दैट्स इक्वल टू जीरो, आपका जो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया दैट्स इक्वल टू जीरो। ये याद रखना कि अगर आपको कहीं मिल जाए ये पॉइंट याद रखना कि ई की पावर माइनस इनफाइनाइट दैट्स इक्वल टू जीरो, ई की पावर इनफाइनाइट दैट्स आल्सो इनफाइनाइट, ठीक है, इसे हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड, ये डिफाइन होता है जीरो हो जाता है माइनस इनफाइनाइट। ये चीज़ें क्लियर हुई। अब अगर हम राइट हैंड लिमिट निकालें, राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा हमारा, एफ ऑफ जीरो प्लस जीरो दैट्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच, एंड फाइनली हमारा क्या आएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एच, एफ ऑफ एच, एच की वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पर, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एच की वैल्यू रखिए यहाँ पर e की पावर वन बाई एच डिवाइड बाई वन प्लस e की पावर वन बाई एच। जब x की वैल्यू जीरो रखेंगे तो वन बाई जीरो इन्फाइनाइट, e की पावर इन्फाइनाइट अपान वन प्लस e की पावर इन्फाइनाइट, ये हो जाएगा हमारा आल्सो इन्फाइनाइट नॉट डिफाइंड। तो आर एच एल कितना आया, इन्फाइनाइट। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट डजेंट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है, तो ये फंक्शन हमारा क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस ये फंक्शन होगा हमारा, डिसकंटिन्यूअस।
एफ ऑफ जीरो ऑलरेडी हमारा इसके बराबर आ रहा है, बट जब दो ही आपस में इक्वल नहीं हो रहे हैं तो वो डिसकंटिन्यूअस हो ही है, आगे चर्चा करने की कोई आवश्यकता ही नहीं। बातें समझ में आई कब वो कंटिन्यूअस होंगे कब वो डिसकंटिन्यूअस होंगे। टेक केयर स्क्रीनशॉट्स, क्लियर है सबको, समझ में आया? आगे बढ़े, डिसकंटिन्यूअस पर आगे चलें। डिसकंटिन्यूअस के कुछ टाइप्स भी हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। टेक केयर स्क्रीनशॉट्स ऑन, टेक केयर स्क्रीनशॉट्स ऑन। अब आइए हम पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी कितने प्रकार की एग्जैक्टली होती है। हम मेन मेन टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे, बहुत ऐसा नहीं है कि ये जैसे ना रिमूवल में भी काफ़ी टाइप्स हो जाते हैं, रिमूवल में टाइप्स और भी काइंड्स आप बात करो, इंपॉर्टेंट जो है वही हम बात करेंगे। और जो मेन है, जो बार बार पूछे जाते हैं, जो ज़्यादा आते हैं, हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि डिसकंटिन्यूटी के प्रकार होता हो, नहीं, आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, डिसकंटिन्यूटी के प्रकार नहीं आएंगे, आपको जानकारी होनी चाहिए। टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। हम यहाँ पर चार प्रकार के डिसकंटिन्यूटी के बारे में चर्चा करेंगे, हालांकि एक रिमूवल आता है तो उसमें एक नॉन रिमूवल भी होता है, तो उसको हम आगे थोड़ा बता देंगे। बेसिकली हम चार टॉपिक के बारे में ही चर्चा करेंगे, फर्स्ट काइंड, सेकेंड काइंड, उसके बाद हमारा आता है रिमूवल, एंड फिर हमारा मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी। इन चार के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, फर्स्ट डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, इसे हम ऑर्डिनरी डिसकंटिन्यूटी भी कहते हैं, इसे और एक नाम से किसके नाम जानते हैं, ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी डिसकंटिन्यूटी, ऑर्डिनरी डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। ये क्या कहता है, फर्स्ट काइंड ये कहता है कि अगर हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करता हो बट अनइक्वल हो, तब हमारा फर्स्ट काइंड होता है। जैसे कोई फंक्शन f होगा, f इज सेट टू बी डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड बोल दें, या फिर हम ऑर्डिनरी डिसकंटिन्यूटी बोलें, ठीक, या फिर सेट टू बी फर्स्ट काइंड, फर्स्ट काइंड डिसकंटिन्यूअस इफ, इफ आप बताओ कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करते हो, इफ हम लिख देंगे एफ ऑफ ए माइनस जीरो जिसे आप लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हो, एंड एफ ऑफ ए प्लस जीरो जिसे आप राइट हैंड लिमिट बोलते हो, बॉथ आर एग्जिस्ट बट अनइक्वल, दोनों एग्जिस्ट तो करते हैं बट अनइक्वल है, उससे वो हम क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूअस। जैसे एफ ऑफ ए माइनस जीरो भी कुछ वैल्यू आए एंड एफ ऑफ ए प्लस जीरो भी कुछ वैल्यू आए, बट ये दोनों एग्जैक्ट इक्वल ना हो, तो मतलब यहां पर लिखते हैं इंप्लाइज दैट कि एफ ऑफ ए माइनस जीरो डजेंट इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस जीरो, एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकते, एंड ये इनफाइनाइट के बराबर भी नहीं हो सकते कि आप डिफाइन ना कर सको, ये डिफाइंड भी नहीं होते हैं, ऐसा नहीं है कि ये दोनों एग्जिस्ट ही ना करते हो, ये एग्जिस्ट करते हैं, ये ऐसे आप लिख सकते हो, यहां पर हमने लिख दिया तो वो लिखने की आवश्यकता नहीं, ये एग्जिस्ट करते हैं, इनकी कुछ वैल्यू होती है, बट ये डजंट इक्वल टू नॉट डिफाइंड, यहां पर लिखो डजंट इक्वल टू नॉट डिफाइंड, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये डिफाइंड नहीं है, डिफाइंड है बट इन दोनों आपस में इक्वल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल के लिए समझा दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल के लिए बता दिया जाए, बताओ कोई एग्जाम्पल लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, जहां पर यक्स जो है हमारा नंबर के बराबर है और ये जो नंबर है दैट्स बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर, ये इंटीजर नंबर से बिलोंग करता है, तो अगर हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट देखें जिसे आप बोलते हो एफ ऑफ ए माइनस जीरो दैट्स इक्वल टू ये माइनस वन आएगी, एंड इसकी अगर हम राइट हैंड लिमिट देखें दैट्स इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस जीरो जो कि हमारी यन आएगी। ऐसा क्यों हमने बोला, क्योंकि ये एक इंटीजर नंबर से बिलोंग करता है, यक्स कहीं पर बिलोंग करता हो, मान लो आपको हम एक लाइन नेचुरल लाइन में दिखाना चाहें, कोई नंबर है 3 और 4, इसके बीच में हमारा यक्स बिलोंग कर रहा है, यक्स बिलोंग कर रहा है,
ठीक है। तो राइट हैंड लिमिट क्या होगी, राइट हैंड लिमिट अगर n मान लें, 4 मान लें, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी क्या हो जाएगी, n माइनस 1, दैट इज इक्वल टू 3, दैट इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो यही है। क्या ये दोनों आपस में इक्वल हैं? नहीं है। तो मतलब f ऑफ a माइनस 0 डजेंट इक्वल टू f ऑफ a प्लस 0, बट दोनों की वैल्यू तो डिफाइन है ना, बट जो वैल्यू है, वैल्यू है वो डिफाइन है, वैल्यू है वो डिफाइन है। क्या यहाँ तक सबको समझ में आया? फर्स्ट काइंड डिसकंटिन्यूटी किसे बोलेंगे, कि अगर कोई भी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल ना हो बट उसकी वैल्यू डिफाइन हो, तब उसे हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट काइंड। समझ में बात आई? बात करें सेकेंड काइंड पर, सेकेंड काइंड पर क्या है हमारा, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड, डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड। इसमें क्या लिखेंगे कि कोई भी फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड कहलाएगा, एनी फंक्शन, एनी फंक्शन एफ, एफ सेट टू बी, सेट टू बी डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड, सेकेंड काइंड व्हेन, जब, कब कहलाएगा ये, जब नाइदर, नाइदर एफ ऑफ ए माइनस जीरो नॉर एफ ऑफ ए प्लस जीरो एग्जिस्ट, जब दोनों एग्जिस्ट ना करते हो तो वो डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड कहलाता है। ना तो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करे और ना ही राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करे। बात समझ रहे हो? मतलब दो के दोनों हमारी लिमिट्स जो हैं एग्जिस्ट ही नहीं कर रही होती हैं, वो एग्जिस्ट से बाहर है, नॉट डिफाइन, तब वो हमारा होता है डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड। यहाँ पर शायद नाइदर की स्पेलिंग मिस्टेक है, यानी आई टी एच ई आर होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर दिखाएंगे, फॉर एग्जाम्पल के लिए हम कोई भी फंक्शन रख रहे हैं यहाँ पर साइन 1 बाई एक्स का एट एक्स इक्वल टू 0 पर, ठीक, एट एक्स इक्वल टू 0 पर। तो ये जो साइन 1 अपॉन एक्स है दैट इज ए ऑसिलेटरी लिमिट, इसे क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी लिमिट। साइन 1 बाई एक्स इज ऑसिलेटरी लिमिट होता है, लिमिट विच डजेंट एग्जिस्ट, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि इट्स ऑसिलेट बिकॉज, लिखेंगे बिकॉज इट्स ओसिलेट, ओसिलेट्स बिटवीन, बिटवीन माइनस वन टू प्लस वन, क्योंकि ये ऑसिलेटरी है, ऑसिलेटरी लिमिट होती है साइन वन अपॉन एक्स, ये माइनस वन से प्लस वन तक वेरी करती रहती है, तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो वो हमारा किसके अंदर आएगा, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड। अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो कौन सा काइंड का है, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड, ठीक है, और इसके दोनों की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। टेक स्क्रीनशॉट्स, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, टेक स्क्रीनशॉट्स। तीसरा नंबर आता है हमारा मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी। अब इसके नाम से ही आपको मालूम चल रहा होगा कि मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी कहते किसे हैं। मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी ये कहती है कि या तो लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगा या तो फिर राइट हैंड लिमिट ही एग्जिस्ट करेगा, दोनों में से एक एग्जिस्ट नहीं करेंगे। बात समझ गए? जब एग्जिस्ट नहीं करोगे तो आल्सो इक्वल तो होंगे नहीं, डिसकंटिन्यूटी मतलब इक्वल नहीं होंगे, पहली चीज़ इक्वल होंगे ही नहीं, और दूसरी चीज़ ये आती है कि अगर एक एग्जिस्ट कर रहा है एक एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो वो हमारा मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी में होगा। पहले वाले में क्या था, दोनों एग्जिस्ट करते थे बट अनइक्वल होते थे, अनइक्वल तो होंगे ही, दोनों एग्जिस्ट करते थे। दूसरे वाले में क्या हुआ, दोनों एग्जिस्ट नहीं करते थे। तीसरे वाले में जिसे हम मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं, इसमें एक एग्जिस्ट करेगा एक एग्जिस्ट नहीं करेगा। चौथा आगे बताएंगे, तो हेड डालेंगे मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी, मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी, मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी क्या होती है अभी से बात करेंगे, ठीक है। मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी एफ इज सेट टू बी, कोई फंक्शन एफ होगा, एफ इज सेट टू बी, सेट टू बी मिक्स्ड, मिक्स्ड डिसकंटिन्यूअस,
डिसकंटिन्यूअस इफ एफ जो होगा वो मिक्स्ड डिसकंटिन्यूअस का लगेगा इफ आइदर आइदर एफ ऑफ ए प्लस जीरो एग्जिस्ट और एफ ऑफ ए माइनस जीरो एग्जिस्ट, दोनों में से कोई एक एग्जिस्ट करेगा। बस बात समझ रहे हो? इंप्लाइज दैट इज के कहने का मतलब क्या है कि अगर एफ ऑफ ए प्लस जीरो एग्जिस्ट कर रहा है तो एफ ऑफ ए माइनस जीरो नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसके कहने का मतलब है। या फिर एफ ऑफ ए प्लस जीरो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो एफ ऑफ ए माइनस जीरो भी जीरो एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, जस्ट अपोजिट, इसके कहने का मतलब यही है। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल देखने पर आपको समझ में आता है ज़्यादा। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर वन बाई एक्स एट एक्स इक्वल टू जीरो, एट एक्स इक्वल टू जीरो पर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई की पावर वन अपॉन एक्स, ये हमने कोई भी क्वेश्चन ले लिया। अब इसको देखेंगे क्या ये होल्ड करता है मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी को कि नहीं। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट देख लेते हैं, दैट्स इक्वल टू एफ ऑफ जीरो माइनस जीरो, क्योंकि यहाँ पर एट एक्स इक्वल टू जीरो है। लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ जीरो माइनस एच, देखो जो लेफ्ट हैंड लिमिट होती है या एल, इसे ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि लिमिट एच टेंस टू ए या एक्स टेंस टू ए माइनस लगा दें अगर एफ ऑफ एक्स तो ये बताती है लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर यहाँ पर राइट हैंड लिमिट लगा दें, लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस लगा दें एंड एफ ऑफ एक्स दैट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ये तो आपको मालूम ही होगा अगर जो भी मान लो भूल गए होंगे क्योंकि ट्वेल्थ में ये चीज़ें आपको पढ़ के आए थे, नहीं याद होगा तो वो उनके लिए मैं बता दे रहा हूँ। हम यहाँ पर लिख दें इसलिए यहाँ पर माइनस प्लस लिखने को कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर हमें मिलेगा क्या, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ माइनस एच दैट्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ माइनस एच, एफ ऑफ माइनस एच ई पावर माइनस वन अपान एक्स हो जाएगा ना, ई पावर माइनस वन अपान एच एंड एच टेंस टू जीरो रखेंगे तो एच की वैल्यू जीरो क्या हो जाएगी, ई की पावर माइनस वन बाई जीरो दैट्स इक्वल टू ई पावर माइनस इनफाइनाइट दैट्स इक्वल टू जीरो। एल एच एल हमारी जीरो आ गई, आर एच एल देखते हैं, दैट्स इक्वल टू एफ ऑफ जीरो प्लस जीरो दैट्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच, यहाँ पर क्या आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, जीरो प्लस एच जीरो ही बचेगा, ओ सॉरी एच एफ ऑफ एच लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एच ई की पावर वन बाई एच, एच की वैल्यू जीरो रखते हैं तो ई की पावर वन बाई जीरो दैट्स इक्वल टू ई पावर इनफाइनाइट दैट्स इक्वल टू इनफाइनाइट नॉट एग्जिस्ट, इन्फाइनाइट थोड़ी एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर देख पा रहे हैं एक हमारा एग्जिस्ट आ रहा है दूसरा एग्जिस्ट नहीं हो रहा है, तब इसे हम क्या बोलेंगे मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी। ऐसे और एग्जांपल्स ले सकते हो जिसमें आपका लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगा। आपको मैं सिंपल तरीका बता दूँ, एक पावर माइनस वन बाई एक्स ले लो, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं एग्जिस्ट करेगा राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करने लगेगा। टेक स्क्रीनशॉट्स। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रिमूवल डिसकंटिन्यूटी के बारे में, डालेंगे रिमूवल डिसकंटिन्यूटी। रिमूवल डिसकंटिन्यूटी क्या कहता है कि अगर एफ ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट अगर राइट हैंड लिमिट के इक्वल हो जाए एंड फंक्शन एफ ऑफ ए इक्वल ना हो तो वो हमारा रिमूवल डिसकंटिन्यूटी कहलाता है। मतलब एनी फंक्शन एफ इज सेट टू बी रिमूवल डिसकंटिन्यूटी इफ लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब एफ ऑफ ए माइनस जीरो इक्वल हो एफ ऑफ ए प्लस जीरो के बट डजंट इक्वल टू एफ ऑफ ए हो, तब ये हमारा क्या कहलाता है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि तीनों अगर इक्वल होते हैं तब जाकर वो कंटिन्यूअस फंक्शन होता है,
तीनों में से कोई भी एक अनइक्वल हो जाएगा तो वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। भाई सर कई लोग सोच रहे होंगे कि ये दोनों आपस में इक्वल हो गए फिर तो ये कंटिन्यूअस होना चाहिए। कंटिन्यूअस की परिभाषा हमने क्या बताया कि तीनों इक्वल होने चाहिए तब कंटिन्यूअस होंगे। कहीं कहीं ऐसा भी मिल जाता है, या फिर एफ ऑफ ए माइनस जीरो इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस जीरो एंड एफ ऑफ ए नॉट एग्जिस्ट, ऐसा भी ऑप्शन मिला है कहीं कहीं। एफ ऑफ ए एग्जिस्ट ही नहीं करता, दोनों आपस में बराबर होते फिर भी किसके अंतर्गत आता है, रिमूवल डिसकंटिन्यूटी। एंड जो नॉन रिमूवल है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, आज के लिए इतना ही बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए वो भी हम एग्जाम्पल के तौर पे बताएंगे, थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके सीखते रहो आपको समझ में आता जाएगा। आज के जो लेक्चर्स थे समझ में आए ना। फॉर एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है आपका एक्स इंटू साइन वन अपान एक्स, साइन वन अपान एक्स इन द टू, कब जब एक्स डजेंट इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो, यही है वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको सॉल्यूशन अगर इसका देखेंगे, एफ ऑफ जीरो तो आपको मिल रहा है क्या टू, एफ ऑफ जीरो तो आपको टू मिल गया क्योंकि एफ ऑफ एक्स निकालेंगे तो एक्स जीरो रखेंगे तो हमारा टू मिल रहा है, ये यहाँ पर दिया जा रहा है गिवन, ठीक है गिवन। बट यहाँ पर अगर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लें एल एच एल दैट इक्वल टू एफ ऑफ जीरो माइनस जीरो दैट्स इक्वल टू एफ ऑफ लिमिट एच टेंस टू जीरो, हम जीरो माइनस जीरो इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि एक्स इक्वल टू जीरो बता रहा है। एफ ऑफ ए माइनस जीरो कहते हैं जब एक्स टेंस टू जीरो, ए बोलता है तब, एच टेंस टू ए या एक्स टेंस टू ए आप लिख सकते थे, क्या एफ ऑफ जीरो माइनस एच दैट्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ माइनस एच दैट्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ ऑफ माइनस एच एच क्या होगा माइनस एच इंटू में साइन माइनस में वन अपान एच। अब एच की वैल्यू जीरो रख दो, उतना सॉल्व करने की आवश्यकता है, साइन माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स होता है वो तो आप सभी जानते ही हो, साइन माइनस एक्स निकालेंगे तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा, सॉल्व कर लो कोई दिक्कत नहीं। एच टेंस टू जीरो तो साइन माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो एच इंटू में साइन वन अपान एच बचेगा, एच की वैल्यू जीरो रखेंगे तो ऑलरेडी आ जाएगा जीरो आया। इसी प्रकार आर एच एल निकाल लेंगे, आर एच एल क्या हो जाएगा एफ ऑफ जीरो प्लस जीरो दैट्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच दैट्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एच दैट्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एच की वैल्यू क्या है एच इंटू में साइन वन बाई एच। एच से घबराना मत आप लोग, एच की वैल्यू हम बहुत छोटी मानते हैं इसलिए उसको जीरो रखते हैं, तो एच की जगह पर हम क्या रखते हैं एच क्योंकि आप लिमिट रख रहे हो एच को, ठीक, तो एच की जगह जीरो रख दोगे ऑलरेडी जीरो आ गया। यहाँ पर आपको मिला क्या लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट बट डजेंट इक्वल टू एफ ऑफ ए, मिला कि नहीं मिला ये चीज़ है क्योंकि एफ ऑफ ए कितना आ रहा है टू आ रहा है, ये बातें समझ में आई नोट कर लीजिए, टेक स्क्रीनशॉट्स हो, टेक स्क्रीनशॉट्स हो। इसके बाद हम बात करेंगे कल के लेक्चर में कंटिन्यूटी ऑफ कांस्टेंट फंक्शन, कंटिन्यूटी ऑफ कांस्टेंट फंक्शन। सो गाइज आप जल्द से जल्द जाकर बैच को ज्वाइन कर लीजिए, आपको कितना देना है मात्र 499 फ्लैट, 50% का ऑफर चल रहा है, 499 देना है सिर्फ 500 स्टूडेंट के लिए, ये ऑफर है 500 के बाद ये बढ़ जाएगा और मैं नहीं चाहता कि आपको ज़्यादा पे करना पड़े, कम से कम में चीज़ें आपको मिले ज़्यादा अच्छी बात है, सिर्फ 500 पे करके आप इतनी फैसिलिटी प्राप्त कर सकते हो, नोट कर लीजिए फटाफट से, टेक स्क्रीनशॉट्स ऑन। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर साथ, टिल देन मनीष पढ़ाई करें, ऑल द वेरी बेस्ट।